कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, देखिए आपको 1.7 फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क इज अनदर कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस। आप देखते हैं सीडी में से आप कई सारे मूवीज देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, देख ठीक है। इट इज इट ऑल्सो कंटेन्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन इट्स सरफेस। उसकी जो सरफेस है सीडी की उसमें भी कई सारे ट्रैक होते हैं हार्ड डिस्क की तरह, और उसमें छोटे छोटे सेक्टर होते हैं। अ सीडी कैन स्टोर अप टू 700 MB डेटा। सीडी में सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है तो 700 MB तक की। अ सीडी में ऑल्सो बी कॉल्ड सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी को क्या बोलते हैं, सीडी रोम। सीडी जब आपने सीडी में कोई भी डेटा एक बार एंटर किया तो उसके बाद आप कोई डेटा एंटर नहीं कर सकते, उसमें जो भी डेटा है वो आप ओनली रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कंप्यूटर कैन रीड द डेटा प्रेजेंट इन ए सीडी रोम बट कैन नॉट राइट न्यू डेटा ऑन इट। देखिए मैंने कहा ना अभी कंप्यूटर कैन रीड द डेटा प्रेजेंट इन ए सीडी रोम। जो सीडी रोम में डेटा आपने डाला है, जो उसमें प्रेजेंट है, वही डेटा आपको दिखेगा और आप उसको सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं या उसको रीड कर सकते हैं, बट कैन नॉट राइट न्यू डेटा। आपको कोई भी कुछ भी आपको कुछ नया डेटा है आपको उनमें फिर से डालना है, वही सीडी में आपको डालना है तो वह आप नहीं डाल सकते क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी है। इसलिए द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सीडीज आर कॉमनली अवेलेबल। देखिए टू टाइप की सीडी है वो अवेलेबल है। सीडी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल डेटा वंस रिटर्न ऑन टू इट कैन नॉट बी इरेज, इट कैन बी ओनली रीड। आप जो डेटा है सीडीआर में यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं बट आप उसको इरेज नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी रीड, आप उनको ओनली रीड ही कर सकते हैं डेटा। नेक्स्ट CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। This is a special type of CD. Data written on it can be erased to write or record new data many times. It is also called an erasable CD. देखिए यहाँ पे CDRW यानी कि compact disk rewritable, rewritable यानी कि this is special type of CD. ये special type की CD है, आप data उसमें राइट कर सकते हैं, उसके बाद जो डेटा आपको नहीं चाहिए वो इरेज कर सकते हैं और आप न्यू डेटा भी आप ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इरेजेबल सीडी, आप उसको इरेजेबल सीडी भी कह सकते हो। टू यूज़ अ सीडी रोम अ डिवाइस कॉल्ड ए सीडी रोम ड्राइव इज नीडेड। आपको कंप्यूटर में सीडी रोम की या सीडी आपको चाहिए तो उसके लिए उसका ड्राइव होना भी ज़रूरी होता है। सीडी रोम ड्राइव इज नीडेड, अगर यह ड्राइव नहीं है तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि DVD। अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क पॉपुलर कॉल्ड अ DVD एंड इनिशियली नेम डिजिटल वीडियो डिस्क, उसका दूसरा नाम, उसका दूसरा फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोनों ही आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों ही राइट है। देखिए फिगर में आपको DVD का पिक्चर दिखाया है। लुक सिमिलर टू अ CD बट स्टोर्स अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा। सीडी में क्या तक उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी तो 700 MB तक की थी, MB है उस सीडी में, और DVD में कितनी है तो
4.7 GB है, तो हम DVD में ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं डेटा को। टू यूज़ अ DVD ऑन ए कंप्यूटर अ डिवाइस कॉल्ड ए DVD-ROM ड्राइव इज नीडेड। CD की तरह आपको भी DVD का यूज़ करना है तो उसके लिए DVD ड्राइव होना ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट, द वीडियो फाइल्स मूवीज और वीडियोस रिकॉर्डिंग स्टोर्ड ऑन ए DVD कैन ऑल्सो बी सीन ऑन ए टेलीविज़न यूजिंग अ DVD प्लेयर। आप वीडियो फाइल्स है वो भी स्टोर कर सकते हैं DVD में, लाइक मूवीज़ और वीडियो रिकॉर्डिंग। आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है वो भी आप DVD में देख सकते हैं, और मूवीज़ है उसका भी DVD आप देख सकते हैं। आप जो DVD है वो आपको DVD प्लेयर, आपके पास जो DVD प्लेयर है उसमें भी आप DVD का यूज़ करके आप टेलीविज़न में भी देख सकते हैं और कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क। अ ब्लू रे डिस्क लुक सिमिलर टू अ CD और अ DVD बट कैन स्टोर अप टू 25 GB डेटा। अब ब्लू रे डिस्क है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है फिगर 1.9 में ब्लू रे डिस्क। CD में कितनी थी, 700 MB तक की स्टोरेज कैपेसिटी थी, DVD में 4.7 GB तक की कैपेसिटी थी। अब ब्लू रे डिस्क है वो भी CD और DVD की तरह ही दिखती है, लेकिन उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो 25 GB तक की है। टू यूज़ अ ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे रीडर इज रिक्वायर्ड। अब ब्लू रे डिस्क का यूज़ करते हैं तो उसमें ब्लू रे रीडर है वो उसकी रिक्वायर्ड है, वो आपको चाहिए। सम हायर मॉडल ऑफ लैपटॉप हैव ए ब्लू रे डिस्क। जो हायर मॉडल है उसमें ब्लू रे डिस्क का यूज़ होता है, लाइक दिस लैपटॉप, आप लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं ब्लू रे डिस्क की। नेक्स्ट, फ्लैश ड्राइव। देखिए 1.10 फिगर में जो दिखाई दे रही है वो फ्लैश ड्राइव है। अब फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव आप दोनों ही कह सकते हैं, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव वो भी आपने देखी होगी। कम्स इन अ वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी सच एस 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB अप टू 1 TB। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, पेन ड्राइव की अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे कि 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB अप टू 1 TB। 1 TB तक की आप स्टोरेज कैपेसिटी है वो पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। अ फ्लैश ड्राइव इज प्रिलिमिनरी यूज टू ट्रांसफर एंड स्टोरेज डेटा। फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव का यूज़ क्या है, तो आपने यूज़ किया ही होगा पेन ड्राइव का, तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो भी आप डेटा पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। हावेवर इन सम केस स्पेशली डिजाइन और प्रोग्राम फ्लैश ड्राइव में ऑल्सो बी यूज टू रीड राइट एंड डिलीट डेटा फॉर कंप्यूटर सिस्टम। आप पेन ड्राइव में से डेटा रीड कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तीनों फंक्शंस आप एक ही साथ परफॉर्म कर सकते हैं इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में आपने सोचा कि नहीं, मुझे यह डेटा को सिर्फ देखना है, मुझे रीड करना है, तो आप देख सकते हैं। आपको कोई भी डेटा को राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं, और कोई भी डेटा को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। टू यूज़ अ फ्लैश ड्राइव यू नीड टू प्लग इट इनटू अ USB पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे आपको पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव का यूज़ करना है तो आपको USB पोर्ट आपके कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। अगर USB पोर्ट नहीं है तो आप पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव का यूज़ नहीं कर सकते।
देखिए यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिखाई दे रहा है फिगर 1.11 में। देखिए यहाँ पे है, आपके लैपटॉप में भी होगा और कंप्यूटर में भी होगा ये यूएसबी पोर्ट। एज अ फ्लैश ड्राइव इज इजी टू यूज एंड स्मॉल इनफ टू बी कैरिड अराउंड, इट इज अ वेरी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस। आप देख सकते हैं पेन ड्राइव को आप कहीं भी ले जा सकते हो अपने साथ, आप जहाँ भी जाए वो उसके साथ ले जा सकते हो। वो छोटा है, उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा इजी है और वेरी पॉपुलर है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।